अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ की आवाज़ में। आपका मेज़बान मोहम्मद कैफुद्दीन शम्स एशिया न्यूज़ में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। एशिया न्यूज़ का आगाज करते हैं। शहर निज़ामाबाद में सीनियर क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट लीग का बोधन रोड शैलजा ग्राउंड में इनेकाद। तफसीलात के मुताबिक हमारे एशिया न्यूज़ के निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद गौस की रिपोर्ट के मुताबिक शहर निज़ामाबाद में सीनियर क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट लीग का आगाज किया जा रहा है, जो मोहम्मद नईम सीनियर क्रिकेटर, तब्बू भाई सीनियर क्रिकेटर, निज़ामाबाद डिप्टी मेयर इदरीस खान और AIMIM पार्टी फ्लोर लीडर शकील अहमद फाजिल के जेरे निगरानी इस लीग की शुरुआत की जा रही है, जिसमें निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट से 20 टीमें हिस्सा लेंगी और हर एक टीम को चार चार मैचेस खिलाए जाएंगे, जिसके बाद 14 नवंबर को सेमीफाइनल मैचेस होंगे और फाइनल मैच 15 नवंबर को मुनाकिद किया जाएगा। इन मुकाबलों में हर एक प्लेयर्स के परफॉर्मेंसेस को चेक करते हुए इन्हें निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट टीम में सेलेक्ट किया जाएगा, जिसके बाद इन्हें हैदराबाद तेलंगाना टूर्नामेंट के लिए भेजा जाएगा, जहां ये प्लेयर्स अपनी बेस्ट परफॉर्मेंसेस के जरिए BCCI की निगाहें अपनी जानिब मुतवज्जेह करा सकते हैं। ये हर नए उभरते क्रिकेटर के लिए एक सुनहरी मौका साबित होगा। इसी सिलसिले में हमारे एशिया न्यूज़ के निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद गौस की एक खास रिपोर्ट। निज़ामाबाद सीनियर डिस्ट्रिक्ट लीग जो कल से स्टार्ट हो रहे हैं, निज़ामाबाद सीनियर लीग कम नॉकआउट मैचेस है, इसमें 20 टीमों की एंट्री हुई है और एक टीम को चार चार मैचेस खिलाया जाएगा। 14 तारीख के दिन, 15 तारीख के दिन सेमीफाइनल फाइनल होगा यहाँ पर, 14 और 15 के दिन। इसमें सिर्फ लोकल निज़ामाबाद के प्लेयर्स को अलाउ है खेलने के लिए। ये सीनियर डिस्ट्रिक्ट लीग से, जिससे सीनियर डिस्ट्रिक्ट टीम का सिलेक्शन होगा कमांड 11 के वास्ते, जो तेलंगाना का टूर्नामेंट होगा, उसके बाद तेलंगाना टूर्नामेंट। जी हाँ, तो यहाँ निज़ामाबाद में है या फिर तेलंगाना टूर्नामेंट हैदराबाद में होगा, यहाँ से निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट की टीम सेलेक्ट करके भी जाएगी। यहाँ जितने भी परफॉर्मर बता देंगे उनको यहाँ से सेलेक्ट करके हैदराबाद में, तो ये वो 20 को नवंबर 20 तक है। जी हाँ, नवंबर 20 तारीख तक होंगे मैच सीनियर लीग्स निज़ामाबाद TCA की तरफ से, जिसको ऑर्गेनाइजर नईम भाई, तब भाई, सब है, ये हमारी कमेटी है। कमेटी सर, जी हाँ, ये सीनियर डिस्ट्रिक्ट लीग टूर्नामेंट जो तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन के ज़रिए कराया जा रहा है, इसमें 20 टीम, जैसा तब्बू भाई पूरा डिटेल बताए, तब्बू भाई यहाँ के ज़िम्मेदार है, इस लीग के मेन ज़िम्मेदार तब्बू भाई है, और जो हम लोगों को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उनका थैंक्स, जैसे कि इदरीस खान साहब है और हमारे शकील साहब है, आल कारपोरेटर्स जो भी हमारे को यहाँ पर जो भी सपोर्ट करें उनके लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारा। और इससे हट के भी हमारे जो पूरे टोटल 20 टीम जो खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में, उनका भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं जो आके यहाँ पर खेल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है वो। और ये टूर्नामेंट जो है ना, उनके सिलेक्शन के लिए ही खिलाया जा रहा है, जो टीम जो आके खेल रहे हैं उनके सिलेक्शन के, उसमें जो अच्छे बच्चे जो इसमें टैलेंट निकलेगा वो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से होते हुए स्टेट को जाएगा, जैसा तब भी बताया अभी, उसी तरह से यहाँ से खेल के वो आगे जाएंगे, उसमें एक अच्छा चांस मिलेगा खेलने के लिए और आगे। और हमारा TCA जो एफिलिएशन के अभी करीबर है, अच्छा, जब आज से एक 10 साल से तो हमारा स्ट्रगल चल रहा है, हम BCCI से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जल्द से जल्द एफिलिएशन दे TCA को। थैंक यू वेरी मच।